अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ मैंगो शिरकन। उसके साथ में पूरी बनाऊंगी जो मैं रोज के शेप में बनाने वाली हूँ, जो बहुत दिखने में खूबसूरत लगती है और ये शिरकन तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। चलिए अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए हमने लिया है 700 ग्राम दही, जो हमने लिया है फुल क्रीम है, और हमें दही मीठा लेना है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हम इसको फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए, ठंडा करके ही हमें इसे छानना है, इसका पानी निकालना है, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, ठंडक की वजह से उसका मस्का अच्छा निकलेगा। अब हम इसे एक वायल का कपड़ा लेंगे, कोई भी एक छन्नी लेंगे, उसके ऊपर हम एक वायल का कपड़ा रख देंगे, फिर हम उसमें डालेंगे ये दही। पकड़ के ऐसा लटकाएंगे, क्योंकि इससे पानी जल्दी निकल जाता है। फिर हम आधे घंटे के बाद में इसे फ्रिज में रखेंगे। इसको हम इस तरह से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखना है, कोई भी वजन इसके ऊपर डाल करके। 3 घंटे बाद हम मिलते हैं आपसे। मैं यहाँ पर एक आम ली हूँ, उसे मैं बारीक पीस रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डालूंगी ये पिसा हुआ आम। शक्कर, एक चम्मच शक्कर डाली हूँ। और इसे अच्छे से हम मिक्स करके इसका पानी हम थोड़ा इसे पका लेंगे, ताकि हम शिरकन में डालेंगे तो फिर इसका पानी छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो कभी भी आम का शिरकन बनाइए तो आम को पका के ही डालिए, डायरेक्ट पीस के नहीं डालना। देखिए ये अब हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से हमें इसे ठंडा करना है। देखिए अभी हमने इसे फ्रिज में से निकाल दिया है, अब हम इसे चेक करते हैं कि इसका पानी पूरा निकला है या नहीं। देखिए इसका पूरा पानी निकल चुका है, अब हम इसे खोल के देखेंगे। हाँ, ये पूरा सूख गया है, इसका अच्छा सा मक्खन बन गया है। अब हम इसे निकाल देंगे एक बॉल में। देखिए इसका इतना सारा पानी निकला है, ये पानी हम नहीं फेंकेंगे, हम इसे किसी भी ग्रेवी में या कढ़ी बनाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे एक बॉल में निकाल देंगे। और हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितने अच्छे से मक्खन बन गया है इसका, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें मैंने लिया है 1 कप शक्कर पीसी हूँ, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मिठास के हिसाब से, शक्कर में थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। अच्छे से इसे मिक्स करना है। घर में बहुत कम कीमत में शिरकन बनके तैयार हो जाता है, और हम घर में बनाए तो हम हमारी मर्जी से कोई भी फ्लेवर का बना सकते हैं। और शक्कर में इसमें और डालूंगी। ये मेरा 250 ml का कप मैंने ली थी शुगर,
जिसमें से मैंने सिर्फ 200 ml यूज की हूँ। देखिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है और इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये साथ गिरे भी नहीं चम्मच से, इतना गाढ़ा शिरकन बनना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए मैंगो, और लूंगी थोड़े बादाम, या आपकी मर्जी के ऊपर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, और थोड़े पिस्ते। और मैं इसको मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप मैदा, और हमने लिए है 1/2 कटोरी रवा जो हमने बारीक लिया हुआ है। अगर आपके पास में बारीक नहीं है तो आप मिक्सर में मोटे वाले को पीस सकते हो। और मैं इसमें ली हूँ 1 चम्मच शक्कर, और 1 पिंच नमक। अब मैं इसमें डालूंगी गरम ऑयल, ये ऑयल मैंने गरम करके लिया है, जो मैं ये डालूंगी 3 चम्मच। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये ऐसा होना चाहिए, घी डालने के बाद में हमारी मुट्ठी बननी चाहिए। तो ये मेरी थोड़ी बन रही है, ऐसी हमें थोड़ी बनाना है, ज्यादा हमें नहीं घी डालना है इसमें, 3 चम्मच बहुत हो गया। अब मैंने लिया है गरम दूध, ये मैंने दूध गरम करके लिया है, ज्यादा गरम नहीं डालना है, थोड़ा मीडियम करके डालना है हमें इसमें। दूध डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा दूध, हमें ये डो ज्यादा नरम नहीं करना है, आटा हमें थोड़ा सख्ती गूंदना होगा जिससे हमारी पूरी अच्छी क्रिस्पी बने। थोड़ा दूध मैंने और डाल दी हूँ, इसमें मैं दूध और डाल रही हूँ 1 चम्मच। इस तरह से हमें आटा गूंद लेना है। ये हमारा आटा हो गया है, अब हम इसे ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 1 कटोरी में हम आटा डालेंगे मैदे का, और उसमें मैं ये डालूंगी थोड़ा दूध, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका गाढ़ा एक लेप बना देंगे। बस इसे हम बना के रख देंगे। ये मेरा आटा हो चुका है, अब मैं इसे ले लूंगी और इसे अच्छे से मसलना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसे काट लूंगी। थोड़ा सी तेल लगाऊंगी, इसे हम इस तरह से बेलेंगे। एक बड़ी सी पूरी बना लेंगे। हमें ज्यादा पतली नहीं करना है, थोड़ी मोटी रखना है। देखो मैंने इसी मोटी रखी हूँ थोड़ी। अब मैं इसे काटूंगी,
चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लूंगी। और मैंने लेना है एक एल्यूमिनियम फोल्ड, एल्यूमिनियम पेपर ले लेना है। फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम इसे रखेंगे था बीच में। फिर हमने जो ये लेप बनाया था मैदे का वो हम लेंगे। सबसे पहले हम ये एक इससे को हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से इस पे चिपकाएंगे। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे ये आटा जो हमने बनाए थे इस तरह से। फिर हम दूसरा हिस्सा लेंगे, फिर इसको हम इससे चिपका देंगे। फिर हमें यहाँ पर फिर से लगाना है, फिर ये वाला हिस्सा उठाएंगे, फिर हमें इसे ऐसा चिपकाना है। फिर हमें फिर से इस तरफ से ऐसा चिपकाना है। इस तरह से हम रोज का पूरा शेप दे देंगे। ये हमारी रोज वाली पूरी बनी है, देखो इस तरह से। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और हम देखेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। एक थोड़ा सी पीस डाल के देखेंगे। देखो ये एकदम नीचे जा करके बैठा है। हमें तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना, इसी टाइम पे हमें ये डाल देना है जो हमने बनाए हैं पूरी। डालने के बाद ही हमें इसके ऊपर सब ऑयल डालते हुए जाना है इस तरह से। हमें इसे निकाल देना है और हम इसको पलटा देंगे। पहले हम इसे अंदर से अच्छे से पकाएंगे, फिर हम इसे पलटाएंगे। इसे हमें धीमी आंच पे ही करना है, ज्यादा फास्ट नहीं करना है इसको। यही आटे से आप सिंपल पूड़ी भी बना सकते हैं। मैंने ये रोज वाली बनाई है। देखिए अभी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देंगे। मैं इसको ज्यादा लाल नहीं करूंगी क्योंकि बाद में थोड़ी और डार्क हो जाएगी। इस तरह से मैं सभी पूड़ी बना लूंगी। कुछ पूड़ी मैं ऐसी भी बना रही हूं। मैंने गोल रोटी बना करके उसे ऐसी चार पीस में कट कर दिया है और उसमें था छुरी से निशान बना दिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। हमें इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देंगे। मैंने इसे फ्रिज में से निकाल दी हूं। देखिए और गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसकी करूंगी प्लेटिंग।
अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े मैंगो, थोड़े पिस्ता, इसके ऊपर मैं पिस्ता डाल रही हूं, थोड़े बादाम डालूंगी, और ये रोज। ये हमारा मैंगो शिरकन विथ पूड़ी बनके तैयार हो चुका है। आप इसे जरूर बनाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।